इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सिटी ऑफ स्पाइसेस कोईकोडे, बेपोर का पुलिमुट्टू जहाँ से अरेबियन सी का 360 डिग्री व्यू दिखता है, और कापड़ बीच, वो जगह जहाँ पे वास्को डिगामा ने कदम रखा और लेजेंडरी स्पाइस रूट की खोज हुई। जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कन्नूर से, क्योंकि कन्नूर को ही मैंने अपना बेस बनाया हुआ था और वहीं से मैंने सारी जगह एक्सप्लोर की। कन्नूर से कैलीकट का डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर है। कोईकोडे को ही पहले कैलीकट कहा जाता था। कई लोग कहते हैं कि कैलीकट का नाम कैलिको से पड़ा। कैलिको बेसिकली प्लेन वाइट अनब्लीच्ड फैब्रिक है जो यहाँ पे मिलता है, लेकिन असल में कैलिको नाम पड़ा है कैलीकट से। एंड कैलीकट एक एंग्लिसाइज नेम है कोईकोडे का। कोईकोडे कैपिटल था किंगडम ऑफ समुथिरीज का, हु रूल्ड दिस रीजन बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर। कोझिकोड पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं जा रहा हूँ एविल मिल्क पीने, जो कि कोझिकोड न्यू बस स्टैंड में मिलता है। बहुत ही अच्छा है, मैंने एक बार पिया है और मैं दिखाता हूँ वो होता कैसा है। तो एविल मिल्क कुछ ऐसा बनाया जाता है, सबसे पहले केले छीलते हैं, उसके बाद ये फ्रोजन मिल्क डाला इसके अंदर और फ्रोजन मिल्क के साथ ही इसे ग्राइंड करेंगे। और सबसे पहले ये डालते हैं रोस्टेड चूड़ा और उसके ऊपर फिर ये बनाना शेक डालते हैं और मिला देते हैं फिर इसे। फिर डालते हैं आइसक्रीम, पीनट्स, कॉर्नफ्लेक्स, टूटी फ्रूटी चेरी, एक बादाम, दो किशमिश बस। अगर आप लोग कोझिकोड आ रहे हैं तो ये ज़रूर ट्राई करें। इसे एविल मिल्क कहते हैं और काफ़ी लाइट है और फिलिंग भी। एविल मिल्क पीने के बाद मैं निकला एसएम स्ट्रीट, स्वीट मीट स्ट्रीट। स्वीट मीट का मतलब हुआ फूड विच इज़ रिच इन शुगर, और यहाँ पे हलवा है स्वीट मीट। लाइन से आपको कोईकोडन हलवा के शॉप्स दिखेंगे जिनमें रंग बिरंगा हलवा मिल रहा है। सूजी, आटे या मूंग दाल के हलवा जैसा नहीं है ये हलवा। ये हलवा काफ़ी अलग है। बाकी जगह पे घी से बनाया जाता है हलवा, लेकिन यहाँ पे कोकोनट ऑयल से बनाया जाता है, और मेरे ख्याल से इसके रबर लाइक टेक्सचर की वजह से ही इसे स्वीट मीट कहते हैं। अब मैं पहुंचा कोईकोडे बीच। ये जो आप पोल्स देख रहे हैं ये पहले एक ब्रिज था, जैसे थलेसिरी में देखा हम लोगों ने। अब जाके ये टूट गया है, कुछ ऐसा दिखता है। 400 फीट लंबा ये पायर 1871 में बनाया गया था विथ अ टी शेप्ड एंड, और इस पायर के बनाने का कारण यही था कि शिप किनारे तक नहीं आ सकती, क्योंकि किनारे में जो पत्थर होते वो उसे नुकसान पहुंचाते। इसलिए एक लंबा पायर बनाया गया ताकि शिप वहाँ पे रुके और यहाँ किनारे से लेके इस पायर की मदद से वहाँ तक सामान लेके जाए और वहाँ पे सामान लोड करे। तो ये यहाँ से ऐसे पूरा हाफ सर्कल में घेरा लगा हुआ है और बीच में वहाँ पे थोड़ा खाली जगह है, और उसके यहाँ पे सारी बोट्स वगैरह जमा है। यह है वेल्लाइल फिशिंग हार्बर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और इस एरिया में सारी बोट्स इकट्ठा हैं। यह है लायंस पार्क, और इस पार्क के अंदर है कैलीकट का लाइट हाउस। कैलीकट लाइट हाउस के पास ही है फ्रीडम स्क्वायर। इट इज़ वन ऑफ द मस्ट सी म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। 12 मई 1936, जब नेशनलिस्ट मूवमेंट अपने पीक पे था, तब सत्याग्रह यहाँ पे असेंबल हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अबू रहीमन टू ब्रेक द सॉल्ट लॉज। उसी दिन ब्रिटिश पुलिस ने सत्याग्रही पर अटैक किया जिसमें 30 लोग घायल हुए। फ्रीडम स्क्वायर उस हीरोइक फाइट को कमोमरेट करता है। कैलीकट बीच में यह जीरो बजट पार्क। इस पार्क को बनाने में उन सभी वेस्ट को यूज़ किया गया जो कि बीच साइट में लोग फेंक देते हैं। ये इनिशिएटिव मिथुन विश्वा जी ने लिया था, और ऐसे ही कई पार्क वो बनाना चाहते हैं केरला के कई और बीचेस में। केरला के हर बीच में आपको ऐसे कार्ड दिखेंगे जिनमें कई तरह के खाने की चीज़ें मिलेंगी आपको, और उनमें से मैंने ऑर्डर किया
आइस शरबत। तो ये शरबत बीच साइड मिलता है, अगर आप लोग कोई कोड़े बीच आ रहे हैं तो ये शरबत जरूर ट्राई करें, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, खास तौर से इस गर्मी में। कैलीकट में ये टाली शिवा टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है शिव जी को, ये मंदिर 14वीं शताब्दी में यहाँ के लोकल समुद्री किंगडम के राजा ने बनवाया था। माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग परशुराम जी ने स्थापित किया था। यह है मिश्कल मॉस्क। इस मॉस्क का नाम मिश्कल नखुदा मिश्कल से पड़ा। नखुदा मिश्कल एक अरब ट्रेडर थे जिन्होंने ये मस्जिद बनवाया। यह मस्जिद पहले 5 मंजिल का था लेकिन 1510 में पुर्तगालियों ने इस मस्जिद पर अटैक किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लोकल जामोरिन किंगडम के हिंदू राजा ने इसे रिपेयर करवाया और आज ये मस्जिद यहाँ पे खड़ा है, जो कि एक प्राइम एग्जांपल है कॉम्यूनल हारमोनी का। अब मैं निकला यहाँ से बेपोर के लिए जो कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है कोईकोड़े से। तो बस जो ली थी मैंने कोईकोड़े से बेपोर बस स्टैंड पे छोड़ा उसने। बेपोर केरला के कई पुराने पोर्ट में से एक है जहाँ से ट्रेडिंग की जाती थी मिडिल ईस्ट तक। बेपोर की एक स्पेशलिटी है वो है 1500 साल पुराना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। यहाँ बनते हैं वुडन शिप्स जिसे उरू कहा जाता है। ये शिप्स सालों से यहाँ बनते हुए आ रहे हैं। पहले ज़माने में इस टाइप के बोट्स को अरब यूज़ किया करते थे एज ए ट्रेडिंग वेसल, और आज भी उरू एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से अरब देश तक। इसे बनाने के लिए कोई भी मॉडर्न टूल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही कोई स्केचेस और ब्लूप्रिंट्स का। सब मेंटल कैलकुलेशन है, एक इनहेरिट आर्ट है जो कि सदियों से चली आ रही है। एक उरू का वजन लगभग 400 टन होता है जिसे बनाने में लगभग 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाता है, और एक उरू लगभग 20 करोड़ का होता है। अब इतनी कीमत लगा के कोई ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए तो यूज़ नहीं करेगा पहले की तरह, इसलिए अब ये लग्जरी के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिसे अरब के शेख या फिर गल्फ का टूरिज्म सेक्टर खरीदता है। बेपोर का एक और मेजर अट्रैक्शन है वो है पुलीमुट्टू, एक रॉकी पायर जो कि पत्थरों से बनाया गया है। 1 किलोमीटर लंबा ये वॉकवे जो कि अरेबियन सी की तरफ जाता है इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओशन वॉकवे ऑफ इंडिया। इसी के पैरेलल एक और वॉकवे है और इन दोनों के बीच चलियार नदी है। वो है वहाँ पे बीच और ये है रास्ता। ये पूरा समुद्र ये जा रहा रास्ता और वहाँ पे ऐसे सेम रास्ता है। अब वॉक करते करते मैं पहुंचा इस पॉइंट पे और यहाँ से अरेबियन सी का ये 360 डिग्री व्यू देखना इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। बेपोर बीच घूम रहा था मैं, उरू मेकिंग देखने का सोच रहा था मैं, लेकिन किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन हो नहीं पाया और मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया कि उरू कहाँ बन रहा है। तो इस वजह से अब मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और जा रहा हूँ कापड़ बीच की तरफ। बीच में थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी इसलिए मैंने उतने अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं किया। बेपोर बीच से कापड़ बीच है लगभग 30 किलोमीटर। थिरुवंगूर से मैंने लिया है ऑटो कापड़ बीच के लिए और अंकल ले रहे हैं 50 रुपीस। लगभग 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है थिरुवंगूर से कापड़ बीच का। अंकल मुझे एंट्रेंस में छोड़ेंगे। कापड़ बीच विच इज ऑल्सो नोन एज कापाकड़ावू बीच हैज़ हिस्टोरिकली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ केरला। यहीं पे है वो किनारा जहाँ पे आज से लगभग 500 साल पहले 1498 में वास्को डिगामा ने भारत पे कदम रखा और उनके सी रूट के खोज के बाद ही पुर्तगाली भारत आए और मालाबार और यूरोप के बीच ट्रेड शुरू हुआ। यहाँ पे एक स्टोन मॉन्यूमेंट भी है जिसे भारत सरकार ने स्थापित किया, जिसमें लिखा है वास्को डिगामा लैंडेड हियर कापाकड़ावू इन द ईयर 1498।
लकीली मुझे कापड़ बीच से बस मिल गई और अभी मैं बस पे बैठा हूँ और यहाँ से जाऊँगा कोई एक जगह, मैं नाम भूल गया उसका, वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ से मुझे बस मिलेगी कन्नूर तक के। जगह का नाम था कोयलांडी। कोयलांडी से अब कन्नूर का डिस्टेंस है लगभग 70 किलोमीटर। तो कुछ ऐसा रहा मेरा कैलीकट का एक्सप्लोरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।